अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं किचन में आपको रेसिपी दिखाने जा रही हूँ उसका नाम है काबली पुलाव। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले हमें चाहिए गोश्त जो कि है 700 ग्राम्स, तकरीबन पौना एक किलो। आई एम यूजिंग मटन। आई एम यूजिंग 2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, आप हस्बे जरूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूमिन सीड्स हमें चाहिए 1.5 टीस्पून। वी नीड 2 स्मॉल अनियंस, कट देम इनटू स्लाइसेस। 2 टेबलस्पून्स ऑफ गार्लिक पेस्ट। आई एम यूजिंग 1/2 कप ऑफ कुकिंग ऑयल। ब्लैक रेजन्स 1/2 कप, बट आई एम यूजिंग लेस बिकॉज माई किड्स डोंट लव इट। ग्रीन कार्डमम 6 to 7। खारट आपने लेनी है 1 कप, उसको जूलियन कटिंग करनी है। 5 to 6 कप्स ऑफ वाटर। 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर आई एम यूजिंग। राइस हमें चाहिए 800 ग्राम्स। गरम मसाला हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर आई एम यूजिंग 1 टीस्पून। जीरा और ग्रीन इलायची जो है उसको हम चॉपर में डाल लेंगे पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए। ये एक लम्हे में बस रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। ऑलमंड्स 1/3 कप, इनको मैंने गर्म पानी में डिप किया है और उसके बाद इनके छिलके उतार लिए हैं, बहुत आसानी के साथ इस तरह उतर जाते हैं। साथ ही हमने राइस डिप करने हैं तकरीबन 1/2 आवर के लिए। पानी मैंने इसका ड्रेन कर लिया है और इसकी कंडीशन देखें किस तरह की हो गई है। अब मैं इसको बॉयल करने के लिए रखूंगी। मैंने कुछ इस तरीके से बॉयल किया है कि इसमें एक कनी भी बाकी है और इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने कुकर के अंदर गोश्त डाल लिया है और 6 से 7 गिलास पानी डाल के इसको उबलने के लिए रखा है और बीच में काली मिर्च और नमक थोड़ा सा डाल के छोड़ दिया है। गोश्त गल जाने के बाद उसको एक बाउल के अंदर सारी बोटियाँ मैंने निकाल ली हैं, आप देख सकते हैं मुकम्मल तरीके से गल चुका है बिल्कुल। और इसकी बची हुई यखनी को मैंने सेपरेट कर लिया है। उसके बाद हम अब एक पैन लेंगे, 2 टेबल स्पून के अराउंड हमने इसके अंदर डालना है ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसको फ्राई करने लगे हैं रेजन्स को और साथ में ऑलमंड्स को हम थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। इससे ये होगा कि इसका टेक्सचर थोड़ा सा फूल जाएगा और जो बादाम हैं वो थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। रोस्ट सा करके हमने इनको सेपरेट निकाल लेना है। दोबारा फ्लैट पैन के अंदर हम 2 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल और ऑयल डालने के बाद जूलियन कटिंग की हुई गाजरें डाल देंगे। इसके बाद हमने इसको करना है सौते। जब हम गाजरें सौते करेंगे तो हमने बीच में शुगर ऐड कर देनी है इसके, इससे बहुत मज़ेदार मिठास पैदा हो जाएगी इसके अंदर और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। अब सौते करने के बाद इसको मैंने सेपरेट निकाल लिया एक बाउल में। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे, ऑयल 1/2 कप था बट मैं कुर्बानी का गोश्त यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने ऑयल थोड़ा कम डाला है। बीच में डालेंगे हम प्याज, प्याज को हम लोग ब्राउन करेंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन जब इसका टेक्सचर हो जाएगा। हम इसके बीच में गोश्त को ऐड कर देंगे, गोश्त ऐड करके हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। साथ ही हम इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, फिर मज़ीद इसको हम गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। मैं इसमें नमक ऐड करने लगी हूँ और साथ में डालूंगी जीरा और इलायची का पाउडर, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। गोश्त यहाँ बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर बॉयल्ड राइस की एक लेयर लगाने लगी हूँ और साथ में उसमें यखनी भी डाल दूंगी जो रिमेनिंग मेरे पास रह गई थी। इसके बाद ऊपर गार्निश करना है हमने गाजरों को और साथ ही थोड़ा बहुत हमने रेजन्स और ऑलमंड्स भी ऊपर डाल लेने हैं। एट दी एंड मैं इसके ऊपर गरम मसाला स्प्रिंकल करके इसको दम पे रख दूंगी। दम पे रखने के लिए मैं फॉइल यूज कर रही हूँ, आप कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। 15 मिनट्स हो गए हैं और उसके बाद अब दम खोलने लगी हूँ मैं इसका। यकीनन हमारा काबली पुलाव बिल्कुल तैयार होगा, मैं आपको बस अभी दिखाने लगी हूँ। फाइनली है काबली पुलाव यहाँ पे तैयार है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। चावलों को थोड़ा सा मिक्स करके इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा काबली पुलाव जो कि अफगानी पुलाव भी कहलाया जाता है बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर बस अब हम गार्निशिंग करेंगे, जो रिमेनिंग हमने ऑलमंड्स वगैरह बचाए थे और जूलियन कैरेट्स को उसको इस तरह स्प्रिंकल कर लेंगे इसके ऊपर।
हमारा मज़ेदार काबली पुलाव जिसे अफगानी पुलाव कहते हैं तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मस्ट ट्राई दिस एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद लाइफस्टाइल विद टिया।